हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो यानी कि प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के सारे प्रश्नों को फुल डिटेल पढ़ाया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है x अपॉन रूट ओवर x प्लस 4, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 0, x का जो मान है 0 से अधिक है। तो हमको इसको समाकलन करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम समाकलन का साइन लगा लेंगे, x अपॉन x प्लस 4 रूट ओवर dx। ओके, अब एक x है, एक पद है, दूसरा आपका रूट ओवर x प्लस 4 है। तो मैं x प्लस 4 बराबर t मान लेता हूं। तो लिखेंगे माना कि x प्लस 4 बराबर t। अब एक तरफ तो अवकलन कर नहीं सकते, तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब दोनों साइड अवकलन कर दीजिए तो d अपान dx x प्लस 4 बराबर हो जाएगा dt अपान dx। अब x का जो अवकलन होगा 1 होगा और 4 का 0 हो जाएगा, तो dt अपान dx। यानी यहां से आप dx बराबर dt आपने निकाल लिया। अब यहां पर मान पुट कर दीजिए तो हो जाएगा समाकलन। x का तो मान आपको मिला नहीं, लेकिन x को ऐसे ही रखते हैं। आगे देखिएगा रूट ओवर x प्लस 4 की जगह आपने क्या माना है t, तो यहां पर मैंने t रख दिया और dx से ऊपर क्या निकाला आपने dt रख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता, ऊपर x है नीचे रूट ओवर t है। तो x को भी हम t के फॉर्म में लाएंगे, x को भी t के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां से आप एक चीज देखिएगा, यदि हम यहां से x का मान निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 आपका उधर चला जाएगा, यानी x बराबर आपको t माइनस 4 मिल जाएगा कि नहीं। 4 को मैं इधर लेकर आया तो x बराबर t माइनस 4 मिल जाएगा। तो यहां पर रख दीजिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, x बराबर क्या आपने निकाल लिया t माइनस 4, तो t माइनस 4 ये हो गया और रूट ओवर t है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t पे पावर हाफ dt। ओके, अब आगे सॉल्व करिएगा तो समाकलन t माइनस 4 या t पे पावर हाफ है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पे पावर माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिएगा, अब मैं इसका t पे पावर हाफ का t पे पावर माइनस 1/2 पूरे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन t into t पे पावर माइनस का 1/2 माइनस 4 t पे पावर माइनस का 1/2, अब पूरे का ब्रैकेट लगा दीजिए और dt लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर एक घात है और यहां पर माइनस का 1/2 घात है, तो आधार सेम रहता है तो घाते जुड़ जाती है, तो एक में से 1/2 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, एक में से 1/2 घटाएंगे तो हाफ आपका बचेगा माइनस 4 और t पे पावर माइनस का 1/2 और dt लगा दीजिए। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहां से प्यारे दोस्तों यहां से हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका समाकलन t पे पावर 1/2 dt माइनस, इस 4 कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर लेता हूं, समाकलन t पे पावर माइनस 1/2 dt। ओके, अब इसको समाकलन कर दीजिए तो t पे पावर 1/2 प्लस का 1/1/2 प्लस का 1 माइनस 4 t पे पावर
माइनस का एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे माइनस का एक बट्टे दो प्लस एक। अब हो जाएगा टी पे पावर तीन बट्टे दो बट्टे का तीन बट्टे दो माइनस फोर टी पे पावर एक बट्टा दो बट्टे एक बट्टा दो। अब दो को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा दो बट्टे तीन टी पे पावर तीन बट्टे दो माइनस चार दूना आठ टी पे पावर एक बट्टे दो। ओके, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको टी पे पावर तीन बट्टे दो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं टी पे पावर वन इंटू टी पे पावर एक बट्टा दो। देखिएगा टी पे पावर तीन बटे दो को टी पे पावर वन गुणे टी पावर वन आप लिख सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे वही आ जाएगा टी पे पावर दो एक दो एक तीन बटे दो। तो हम टी पे पावर तीन बटे दो को टी पे पावर वन गुणे टी पावर हाफ लिखते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहां से आप समझिएगा, यहां से आपका हो जाएगा दो बट्टे तीन टी इंटू टी पे पावर हाफ माइनस एट टी पे पावर हाफ। अब ऐसा इसलिए मैंने किया कि हमको टी पे पावर हाफ कॉमन हो जाए, तो यहां पर आप टी पे पावर हाफ और टू दोनों भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं दो टी पे पावर हाफ मैं कॉमन ले लेता हूं। ओके, टी दो पे पावर हाफ मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर आपका क्या बचेगा टी अपान तीन माइनस का चार। ओके, तो माइनस का चार यहां पर ऐसे ब्रेकेट लगा दीजिए और प्लस का सिक्स समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए। अब इसको टी पे पावर टू हो जाएगा। अब टी का मान रख दीजिए तो टी का मान आपने कितना माना है एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर पे पावर एक बट्टे दो। टी का मान कितना लेना है एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर पे बट्टा तीन माइनस का चार प्लस का सी। अभी इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रेकेट को मैं सॉल्व कर लेता हूं तो हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर पे पावर एक बट्टे दो। इस ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे तो तीन चौक बारह माइनस का बारह में से प्लस का चार घटेगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस का एट प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है या यह कह सकते हैं थोड़ा टफ है, तो इसको आप अगर बारीकी से समझेंगे दो से तीन क्वेश्चन तो आप स्वयं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए और अच्छी तरीके से देखिए तो हर एक चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ कर हर एक चीज आपको बता रहा हूं जिससे कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारह। क्वेश्चन नंबर बारह आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस एक पे पावर एक बट्टा तीन इंटू एक्स पे पावर फाइव आपको दिया है। तो सबसे पहला कार्य हमारा होता है हमको समाकलन करना है, तो सबसे पहले समाकलन का यहाँ पर साइन लगा दीजिए एक्स क्यूब माइनस का वन वन अपान थ्री और इंटू एक्स पे पावर फाइव डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो डायरेक्ट इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं एक्स पे पावर फाइव को जो आपका एक्स पे पावर फाइव है इसको हम एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर इसको हम जोड़ेंगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक्स क्यू का जब हम अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा, तो हम एक्स क्यू का जब हम अवकलन करेंगे या यह कहे कि एक्स क्यू माइनस वन भी ले सकते हैं क्योंकि वन तो आपका जीरो हो जाएगा, तो यहां से अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ आएगा तो वहां पर उसकी वैल्यू रख देंगे। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं एक्स पावर फाइव को एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो हो जाएगा आपका समाकलन एक्स क्यू माइनस का वन पर पावर एक बट्टे तीन इंटू एक्स क्यू इंटू का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं इस पूरे को मैं मान लेता हूं टी, जो एक्स क्यू माइनस एक है इसको मैं मान लेता हूं टी। तो लिखेंगे माना कि एक्स क्यू माइनस का वन बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए तो दोनों तरफ अवकलन करने पर
करने पर, तो अवकलन करिए तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर dt अपान dx। अब हमको मान किसका चाहिए, x स्क्वायर dx का, तो यहां से आपका x स्क्वायर dx का मान कितना हो जाएगा, 3 आपका नीचे चला आएगा तो dt अपान 3, यानी हम x स्क्वायर dx की जगह पर हम dt अपान 3 रख सकते हैं। तो रख दीजिए समाकलन, x क्यू माइनस 1 कितना है, t के बराबर है, तो हो जाएगा आपका t पावर 1 बटा 3 इंटू। अब बात आती है x क्यू की, हम x क्यू की जगह पर क्या रखें, तो प्यारे दोस्तों आप यहां से x क्यू का मान निकाल लीजिए, तो x क्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वन पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका t प्लस का 1, तो t प्लस 1 यहां पर रख सकते हैं, तो यहां पर रख दीजिए t प्लस 1, इसका भी काम हो गया। x स्क्वायर dx से ऊपर क्या रख सकते हैं, dt अपान 3, तो यहां पर dt रख देते हैं, और जो अपान का 3 है इसको मैं बाहर कर लेता हूं। ओके, यहां तक तो समझ गए होंगे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपान 3 t पे पावर 1 बटा 3 से t पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, t पे पावर 1 बटा 3 इंटू t, dt मैं अलग भी कर लेता हूं, फिर इसको यहां से एक बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूं। ओके, उसके बाद से प्लस t पे पावर 1 बटा 3 हो जाएगा, t पे पावर 1 बटा 3 और आपका हो जाएगा dt। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या किया इनको अलग अलग लिख लिया, क्या करके t पावर 1 बटा 3 पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर t पावर 1 बटा 3 से 1 में मल्टीप्लाई किया, अब हो गया। अब इसका 1 बटे 3 इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन लगा दिया। अब t पे पावर 1 बटा 3 इंटू t पे पावर 1 तो है ही, तो आपको कितना हो जाएगा, t पे पावर 3 एक 3 एक 4 बटे 3 आपका हो जाएगा, 4 बटे 3 dt हो जाएगा। ओके, और फिर प्लस का 1 बटे 3 t पे पावर 1 बटे 3 dt हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या किया इन दोनों के घात को जोड़ दिया, तो इतना आपका आया, और 1 बटे 3 से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा 1 अपान 3 इंटीग्रेशन t पावर 4 बटा 3 dt प्लस 1 बटा 3 यहां पर भी बाहर कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा प्लस का 1 बटे 3 इंटीग्रेशन t पावर 1 बटा 3 dt। अब आगे समझिएगा, अब मैं इसका समाकलन करता हूं, तो यहां पर इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो 1 बटा 3 है तो 1 बटा 3 रखिए, t पे पावर 4 बटा 3 है तो t पे पावर 4 बटे 3 प्लस का 1 बटे 4 बटे 3 प्लस का 1, फिर प्लस है तो प्लस रखिए, फिर 1 बटे 3 है 1 बटे 3 रख दीजिए, t पावर 1 बटा 3 t पावर 1 बटे 3 प्लस का 1 बटे आपका हो जाएगा 1 बटे 3 प्लस का 1, तो हो जाएगा आपका 1 बटे 3 t पावर 3 एक 3 4 7 बटे 3, बटे नीचे भी हो जाएगा 7 बटे 3 प्लस का 1 बटे 3 t पावर 3 एक 3 एक 4 बटे 3, बटे हो जाएगा 4 बटे 3। अब आपका 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा इस प्रकार से समझिएगा, 1 बटे 3 इंटू 3 अपान 7 t पावर 7 बटे 3 प्लस 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऑलरेडी 1 बटा 3 पहले से है ही, मल्टीप्लाई बाय 3 अपान 4 t पावर 4 बटे 3, a 3 से a 3 कैंसिल, a 3 से a 3 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 1 बटे 7 t पावर 7 बटे 3 प्लस आपका बचेगा 1 बटे 4 t पावर 4 बटे 3। अब यहां पर t का मान रख दीजिए, t हमने कितना माना, x क्यू माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 1 बटे 7 x क्यू माइनस का 1 पे पावर x क्यू माइनस का 1 पे पावर 7 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 t का मान यहां पर भी रख दीजिए, x क्यू माइनस का 1 पे पावर 4 बटे 3 प्लस का c लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यू आ होल का होल क्यू। तो इसका क्या करना है, समाकलन हमको करना है। सबसे पहले समाकलन का आप साइन लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यू, 2 प्लस 3 एक्स क्यू और टोटल का होल क्यू और dx। अब इन दोनों में आपको सोचना है कि किसको हम माने, किसको हम t माने और उसका अवकलन कर दे, दूसरा पद आ जाए। तो देख रहे हैं यदि मैं इसको t मानता हूं तो मेरा स्क्वायर के रूप में कुछ ना कुछ आएगा, तो मैं इसको t मानता हूं। तो लिखेंगे माना कि क्या माना, 2 प्लस 3 एक्स क्यू बराबर टी। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ओके, तो हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स 2 प्लस 3 एक्स क्यू बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। 2 का तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर हो जाएगा dt अपॉन dx। हमको किसका मान चाहिए, x स्क्वायर dx का, तो x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 9। मैंने क्या किया, 9 को इसके नीचे लेकर आया और dx का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर dx का मान dt अपॉन 9। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर dx बराबर क्या dt अपॉन 9, तो 1/9 को मैं बाहर कर लेता हूं और आपका dt हो जाएगा, इस पूरे की जगह क्या माना है t, तो t का होल क्यू और हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, मैंने x स्क्वायर dx की जगह पर dt अपन 9 रख दिया और इस पूरे को t माना है तो उसका क्यू है, तो t का होल क्यू। अब समाकलन कर दीजिए तो 1/9, इसको ऊपर लेकर चलते हैं तो t पे पावर माइनस का 3 dt हो जाएगा। अब 1/9 इसका समाकलन करिए तो t पे पावर माइनस का 3 प्लस का 1 बटे माइनस का 3 प्लस का 1, ओके। आगे देखिएगा तो यहां पर आपको आ जाएगा 1/9 t पे पावर माइनस का 2 बटे माइनस का 2 या 1/9 t पे पावर, इसको गुणा कर लेते हैं तो माइनस का 1/18 हो जाएगा, तो माइनस का 1/18 टी पावर माइनस 2, या इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/18 टी स्क्वायर। तो यहां पर अब टी का मान रख दीजिए तो माइनस का 1/18 टी आपने कितना माना है 2 प्लस 3 एक्स क्यू, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 एक्स क्यू अब पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का सी लगाना मत भूलिएगा, सी क्या है समाकलन नियतांक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 1/x log x^m x greater than 0 m ≠ 1, यानी x का जो मान है 0 से अधिक है और m का मान 1 के बराबर नहीं है, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको समाकलन करना है, तो सबसे पहले समाकलन का साइन लगा लीजिए, तो समाकलन 1/x log x^m dx, ओके। अब इसमें आपको सोचना है कि किसको मैं टी मानूं और उसका अवकलन करूं तो दूसरा पद आ जाए। तो यदि मैं लॉग एक्स को टी मानता हूं तो लॉग एक्स का अवकलन करता हूं तो 1/x आपको मिल जाता है। तो लिखेंगे कि माना कि log x बराबर t, अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर तो जाएगा d अपॉन dx log x बराबर dt अपॉन dx, तो जाएगा 1/x बराबर dt अपॉन dx। अब हमको वैल्यू चाहिए 1/x dx की, तो ले लीजिए तो 1/x dx बराबर आपका हो जाएगा dt। अब 1/x dx की जगह पर मैं dt रख दिया और log x को आपने माना t और t पे पावर m, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ओके। अब यहां से मैं
टी पे पावर एम को ऊपर लेकर जाता हूं तो हो जाएगा आपका टी पे पावर माइनस का एम डी टी। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए तो हो जाएगा टी पे पावर माइनस का एम प्लस वन बटे माइनस का एम प्लस वन। ओके, अब यहां से प्लस का सी लगा लीजिए तो यहां पर आप टी का मान रखिए, टी का मान कितना है लॉग एक्स, तो हो जाएगा आपका लॉग एक्स पे पावर माइनस का एम प्लस वन बटे आपका हो जाएगा माइनस का एम प्लस वन। अब मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स पे पावर वन माइनस का एम बटे आपका हो जाएगा वन माइनस एम। अब प्लस का सी लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है एक्स अपान नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले समाकलन करना है तो समाकलन का साइन लगा देंगे एक्स अपान नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आपको सोचना ये है कि इन दोनों पद में किसको मैं टी मानूं कि मेरा दूसरा पद आ जाए अवकलन करने पर। यदि आप इसको टी मानते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यक्स के पद में कुछ ना कुछ आएगा, यानी हम इसको टी मान ले तो लिखेंगे माना कि नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अवकलन कर दीजिए तो डी अपान डी एक्स नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपान डी एक्स। तो नौ का तो जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा एट एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। आपको चाहिए एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो यहां से आप एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो माइनस का डी टी अपान एट हो जाएगा। क्या हुआ एक्स इंटू का डी एक्स और माइनस के एट को मैं नीचे लेकर आया तो एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी अपान एट आ गया। अब यहां पर रख दीजिए एक्स डी एक्स की वैल्यू कितना है माइनस का डी टी अपान एट, तो एक बटे आर माइनस के एक बटे आर को मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस के एक बटे आर को मैंने बाहर ले लिया। अब आपका डी टी बचा बटे इसको आपने क्या माना है टी, तो टी ले लीजिए तो हो जाएगा माइनस का एक बटे आठ वन अपान टी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वन अपान टी डी टी, तो हो जाएगा आपका माइनस का एक बटे आठ वन अपान टी को क्या लिख सकते हैं लॉग टी। वन अपान टी का समाकलन लॉग टी होता है, प्लस का सी लगा दीजिए तो हो जाएगा माइनस का वन अपान एट लॉग टी। आपने कितना माना है नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है ई टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री। तो हमको समाकलन करना है तो सबसे पहले समाकलन का साइन लगा लीजिए ई पे पावर टू एक्स प्लस का थ्री डी एक्स। अब आपको क्या करना है, अब आप मान लीजिए कि टू एक्स प्लस थ्री बराबर आपका है टी, तो लिखेंगे माना कि टू एक्स प्लस का थ्री बराबर टी, टू एक्स प्लस का थ्री बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर तो डी अपान डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री बराबर डी टी अपान डी एक्स। तो यहां से आपको टू मिलेगा और थ्री का जो अवकलन होगा वह जीरो हो जाएगा तो डी टी अपान डी एक्स। आपको dx की वैल्यू चाहिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान 2। अब यहां पर मान रख दीजिए तो हो जाएगा समाकलन 2x प्लस 3 को आपने क्या माना t, तो e टू द पावर t हो जाएगा। अब dx के जगह पर क्या dt अपान 2 रखना है तो dt यहां ले लेते हैं और 1 अपान 2 को मैं बाहर कर लेता हूं तो हो जाएगा आपका 1 अपान 2 e टू द पावर t का समाकलन कर दीजिए। e टू द पावर टी का समाकलन आपका क्या होगा,
e टू द पावर टी होगा, अब प्लस का सी लगा दीजिए तो 1/2। अब टी का मान कितना माने आप, 2x+3, तो यहाँ पर आप टी का मान रख दीजिए तो e पे पावर 2x+3 और प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है x अपान e टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, समाकलन का साइन लगाना रहता है। तो समाकलन x अपान e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब इसको सोचना ये है कि किसको मैं मानूं कि दूसरा पद आ जाए अवकलन करने पर। तो x स्क्वायर को यदि आप t मानते हैं तो x स्क्वायर का यदि अवकलन करेंगे तो x के पद में कुछ ना कुछ आएगा। तो लिखेंगे माना कि x स्क्वायर बराबर t, तो आपका हो जाएगा, लिख लेंगे कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स x स्क्वायर बराबर dt अपान dx, तो हो जाएगा 2x बराबर dt अपान dx। आपको मान चाहिए x dx का, तो x dx बराबर आपका हो जाएगा dt अपान 2। अब x dx के जगह पर रखेंगे dt अपान 2, तो dt अपान 2 ना रख करके 1/2 बाहर कर लेता हूं, तो बाहर मैंने कर लिया और यहां पर हो जाएगा dt e टू द पावर t। ओके, मैंने x dx के जगह पर 1/2 dt रख दिया और e x स्क्वायर को हमने माना है t, तो e टू द पावर t। अब आपका हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t को मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो e पे पावर माइनस t dt। ओके, अब e टू द पावर t का समाकलन कर दीजिए, तो e टू द पावर t का समाकलन तो e टू द पावर t ही होता है, लेकिन जो माइनस है आपका यह भी आगे आएगा। कहने का सेंस है, समझिएगा, जैसे e टू द पावर माइनस t का हमको समाकलन करना है तो e टू द पावर तो माइनस का t होता ही है, लेकिन जिसको आप a माइनस का t को यदि x माने हैं तो इसका भी आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो माइनस आगे चला आएगा। तो इस प्रकार से आपका होगा माइनस का 1/2 e टू द पावर माइनस का t। अब यहां पर t का मान रख दीजिए तो माइनस का 1/2 e टू द पावर t का मान कितना है, x स्क्वायर। ओके, और यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देना है, तो हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 e टू द पावर माइनस का x स्क्वायर पावर के रूप में, तो इसको नीचे लेकर आते हैं तो e टू द पावर x स्क्वायर 1/2, ऐसे आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि e पे पावर माइनस का x स्क्वायर, यह पूरा x स्क्वायर e का घात है, तो इसको मैं नीचे लेकर आया, ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 e टू द पावर टेन इनवर्स x बटे 1/1 + x² दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, समाकलन का साइन लगाना होता है। तो e टू द पावर टेन इनवर्स x बटे 1+x² dx। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 + x² होता है, तो क्यों ना हम टेन इनवर्स x को t मान लें। तो लिख लेंगे माना कि, क्या माना, टेन इनवर्स x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए तो लिख लेना है आपको दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो d अपान dx टेन इनवर्स x बराबर dt अपान dx। तो टेन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 + x² बराबर dt अपान dx। अब आपको मान किसका चाहिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/1 + x² e टू द पावर टेन इनवर्स x dx, ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
तो आपको चाहिए 1/1 + x² dx की वैल्यू, तो हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt, यानी हम 1/1 + x² dx की जगह पर dt रख सकते हैं, तो आप रख दीजिए तो यहां पर ऐसे कर लीजिए समाकलन dt तो होगा ही होगा, किसके जगह पर 1/1 + x² dx जगह पर e है, और आपने इसको t माना है tan इनवर्स x को, तो e^t dt हो जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे मैंने क्या किया, 1/1 + x² dx की जगह पर dt रख दिया, e था e और इसको मैंने t माना है, तो e^t dt। अब e^t का समाकलन क्या होता है, e^t ही होता है, प्लस का c लगा देना है, तो e, अब t का मान रख दीजिए, तो e^tan−1x + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है e^2x − 1/e^2x + 1। तो सबसे पहला काम आपका होता है समाकलन का साइन लगाना, समाकलन का चिन्ह लगाना, तो e^2x − 1/e^2x + 1 dx लिख लेना है। अब आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको अलग से जोड़ना या गुणा करना या घटाना पड़ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक लगना है। तो मैं क्या करता हूँ, e^-x से गुणा करता हूँ, तो इससे फायदा यह होगा e^-x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर e^x बचेगा और e^-x हो जाएगा, वही क्रिया यहाँ पर भी होगा, तो एक को मानेंगे तो दूसरा हमारा आ जाएगा। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में e^-x से गुणा करता हूं, तो e^-x e^2x − 1/e^-x e^2x + 1। ओके, अब यहां पर आप dx लगा लीजिए। ओके, अब क्या करना है, आपको e^-x का मल्टीप्लाई कर देना है, तो e^-x − e^-x ओके बटे e^(x + e^−x dx। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस पूरे को यानी हर वाली वैल्यू को e^(x + e^−x) को मैं t मान लेता हूं, तो लिखेंगे माना कि e^(x + e^−x) = t। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर। ओके, तो दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, तो d/dx हो जाएगा e^(x + e^−x) = हो जाएगा आपका dt/dx। तो e^(x) का अवकलन e^(x) ही होगा, लेकिन e^(x) का अवकलन करेंगे तो इसके पहले भी मैंने बचा चुका हूं, तो आपका हो जाएगा −e^(x). ऐसा इसीलिए होता है, आपको केवल e^(x) का पता है, e^(x) का अवकलन नहीं पता है, तो आप इसको t मानेंगे, यानी माइनस के x को t मानेंगे, तो e^t का तो e^t होगा ही, लेकिन माइनस x का अवकलन करेंगे तो −1 आगे आ जाता है, तो इस तरीके से आपका −1 e^-t हो जाता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर ये आपका आ गया, तो हो जाएगा आपका बराबर dt/dx। अब हमको मान चाहिए e^(x − e^−x dx का, तो ले लीजिए e^(x − e^−x dx का मान आपका आ जाएगा dt के बराबर, यानी अब हम e^(x − e^−x dx के ऊपर dt रख सकते हैं। तो अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरीके से समझिएगा, इतने पूरे के जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, इतने पूरे के जगह पर मैं dt रख सकता हूं, तो हो जाएगा समाकलन dt/, और इसको आपने पूरा क्या माना है, t माना है, तो t ले लीजिए। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/t, समझ लीजिएगा 1/t dt, तो 1/t का अवकलन क्या होता है, 1/t का जो आपका अवकलन होता है log t।
अब प्लस का सी लगा दीजिए तो हो जाएगा लॉग, और टी का मान कितना है ई पे पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस का 2x बटे ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस का 2x। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो समाकलन ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस का 2x बटे ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस का 2x dx। ओके, अब यदि इसमें आप इसको आप t मानते हैं तो a वैल्यू अपने आप आ जाएगी, जैसा इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं। तो लिख लेंगे माना कि e पे पावर 2x प्लस e पे पावर माइनस का 2x बराबर t। ओके, अब इसका दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, तो लिख लेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा d अपॉन dx e टू द पावर 2x प्लस e पे पावर माइनस का 2x बराबर हो जाएगा dt अपॉन dx। तो e पे पावर 2x का अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, 2x को आपको t मानना होगा, जैसे e पे पावर 2x का आपको अवकलन करना है तो 2x बराबर आप मान लीजिए t, तो 2x बराबर t हो जाएगा, तो e टू द पावर t तो होगा ही, लेकिन जो आपने माना है इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से 2e, t का मान कितना है 2x, यानी आपका e पे पावर 2x का जो मान होगा 2e टू द पावर 2x होगा, उसी तरह से जो आपका e पे पावर माइनस 2x का मान होगा तो आगे माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 e पे पावर माइनस का 2x। ओके, ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि पावर में माइनस है तो ऑलरेडी माइनस आएगा और पावर में पहले से ही माइनस है। ओके, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप अवकलन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2e पे पावर 2x माइनस 2e पे पावर माइनस का 2x, ये ब्रैकेट में कर लीजिए, dx बराबर आपका हो जाएगा dt। ओके, तो आपको मान किसका चाहिए, आपको मान चाहिए e पे पावर 2x माइनस e पे पावर माइनस 2x dx का, तो दो यहां में कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा e पे पावर 2x माइनस e पे पावर माइनस का 2x बराबर, सॉरी यहां पर dx बराबर हो जाएगा dt। ओके, तो यहां पर आपको केवल e पे पावर 2x माइनस e पे पावर माइनस 2x dx का मान चाहिए, तो दो को उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा e पे पावर 2x माइनस e पे पावर माइनस का 2x बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2, यानी अब हम e पे पावर 2x माइनस e पे पावर माइनस 2x dx के जगह पर dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो dt अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूं, तो बाहर मैंने कर लिया और इतने के जगह पर dt रख दिया, और इसको आपने क्या माना है, इसको आपने माना है t, तो यहां पर t ले लिया तो 1 अपॉन 2, और ये आपका 1 अपॉन t के रूप में है, तो 1 अपॉन t का जो समाकलन होता है क्या होता है, जो 1 अपॉन t का समाकलन होता है log t प्लस का c, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 log t का मान कितना है e पे पावर 2x प्लस e पे पावर माइनस 2x, तो e पे पावर 2x प्लस e पे पावर माइनस का 2x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे प्रश्नों का हल सॉल्यूशन करना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आज की क्लास में या पिछली क्लास में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा।
तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।